जिस तरह देश में कोविड की दूसरी लहर चली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उसमें इजाफा संख्या में हो रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन भी काफ़ी लोगों का हो रहा है और ऑक्सीजन को लेके जो है काफ़ी डिमांड जो है अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन पे हमारे पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे रखा जा रहा है। एक ऐसा जो है समाज में एक इस तरह से एक मैसेज फैला है कि सभी लोगों ने जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को जो है अपने घरों में भी रखना शुरू कर दिया है और कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कुछ इंडस्ट्रीज है जिनके पास भी स्टॉक ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का पड़ा हुआ है। तो ज़िले में ये देखते हुए आदेश जारी किए गए कि 24 घंटे के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है, ट्रेडर्स है और उनके गोडाउन्स और स्टोर्स में उनके पास कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हैं, साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल जिन लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रखा है और जो यूज नहीं हो रहे हैं, तो वो सारा स्टॉक जो है 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करेंगे। 24 घंटे के बाद अगर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के पास ही पाया गया तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है एक हिसाब से इलीगल माना जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उसको कभी भी अपने कब्ज़े में ले लेगा। तो इसीलिए एक गुजारिश जो है पूरे मंडी ज़िला में जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हैं और स्टॉक पड़ा है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है हमें रिपोर्ट करें, ताकि अगर कभी एक्सट्रीम इमरजेंट हमारे पास कंडीशन आती है तो इस ऑक्सीजन को हम किसी की जान बचाने के लिए प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।